हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्नो गेमिंग यूट्यूब चैनल। मैं संजय और आज हम 532 गोल शॉट के बारे में बात करेंगे, बताएंगे ये शॉट कैसा है, कैसे इस शॉट को खेलना है, फुटवर्क एंड टाइमिंग कैसे करना है और क्या सही में इस शॉट को परचेस करना चाहिए या नहीं। सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा जरूर देखना। ओके, तो दोस्तों ये शॉट मिड विकेट के तरफ खेले जाने वाला एक 4 o'clock ग्राउंडेड गोल शॉट है। ये शॉट आपको स्टोक के अंदर देखने को मिलेगा और ये शॉट आप सिर्फ फन फुट के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा ये शॉट MS धोनी सर की एक फेवरेट स्वीप शॉट भी है। इस शॉट का जो आइडियल कनेक्शन जोन है वो है नी हाइट, मतलब यॉर्कर लेंथ और फुल लेंथ बॉल को ये शॉट अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेता है, बाकी और किसी भी लेंथ के बॉल को ये शॉट कनेक्ट नहीं करता है। लेकिन कई बार गुड लेंथ के बॉल को कनेक्ट कर लेता है जब बॉल थोड़ा नीचे रहता है, तो ये बात आप थोड़ा याद रखना। ओके, फुटवर्क के बारे में बात करें तो आपको फुटवर्क काफ़ी सिंपल रखना है। जैसे बॉल की लाइन कुछ भी रहे, आपको अपना फुटवर्क पिचिंग सर्कल से एक स्टेप पीछे रखकर ही शॉट को खेलना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बॉल की लाइन पे जाके, मतलब पिचिंग सर्कल के ऊपर जाके शॉट को खेलना चाहते हैं, तब भी आप शॉट को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इस शॉट को सही से टाइमिंग करने के लिए, जैसे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बॉल हाथ से रिलीज होते ही और स्पिनर के अगेंस्ट बॉल हाफ ऑफ द पिच आते ही आपको अपना शॉट खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे ये शॉट काफ़ी ठीक ठाक लगा है और ग्राउंडेड शॉट के हिसाब से ये एक अच्छा शॉट है। देखिए शॉट तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर बार चौके ही मिलेगा। फुटवर्क एंड टाइमिंग सही से करने पर भी आपको हर बार चौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ग्राउंडेड शॉट है, इसलिए बाउंड्री पर डीप मिड विकेट के तरफ फील्डर होने पर आपको हर बार चौके नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि आपको हर बार चौके तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर बार एक या दो रन जरूर मिलेगा। बाकी कई बार आप इस शॉट के चलते सर्कल के अंदर कैच आउट भी होंगे, तो ये बात याद रखना शॉट को परचेस करने से पहले। और यही चीज़ मुझे इस शॉट का सबसे बड़ा नेगेटिव लगा। तो दोस्तों अगर आप ग्राउंडेड शॉट पसंद करते हैं और आपके पास काफ़ी सारे गोल फ्रेगमेंट है, साथ ही आपको 8 गोल फ्रेगमेंट देकर एक ग्राउंडेड शॉट परचेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप डेफिनेटली इस शॉट को परचेस कर सकते हैं। बाकी जो भी एक ग्राउंडेड शॉट के लिए 8 गोल फ्रेगमेंट देना नहीं चाहते हैं वो इस शॉट को आसानी से स्किप कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप करना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।